पत्रकारिता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पूर्व डॉक्टर उषा साहनी, जो हमारे इस वेबिनार श्रृंखला की आयोजन सचिव हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदिन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। आज के इस वेबिनार में हमारे अतिथि और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार श्रृंखला के संकल्पना जिन्होंने रखी, प्रोफेसर संजीव भानावत, एन अक्लेम्ड नेशनल मीडिया अकेडमिशियन हु हैज बीन विथ अस फॉर सो मेनी इयर्स, वेरी वंडरफुली कंप्लीटेड 4 decades इन मीडिया अकेडमिक्स विद द फर्स्ट इनिंग एंड वंडरफुली डूइंग द सेकेंड इनिंग एज वेल। सो यू आर फॉर्चुनेट दैट ही हैड दिस आइडिया एंड ड्रीम to run with this webinar series, and we are really happy that we have reached up to this level, that this is our 18th webinar. Aur aaj ka vishay kitna important hai, kitna mahatvapurn hai, is bare mein puri jankari dene ke liye main aamantrit karungi Professor Sanjeev Bhanavat ko. Sir, please. Dhanyawad Dr. Usha Sahani. 29 जनवरी का भारत की पत्रकारिता के इतिहास में अपना एक विशेष महत्व है। सन 1780 का वर्ष और 29 जनवरी की तिथि, जब इस देश में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, हमें लगा क्यों नहीं इस दिन के बहाने आज की जो पत्रकारिता है उस पर कुछ चर्चा की जाए। और हमारे साथ देश के 4 वरिष्ठ पत्रकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता और अन्य जो संचार माध्यम है उनमें रहा, श्रद्धेय कमल दीक्षित, जिनके साथ पिछले 30-35 साल से अधिक समय से मेरा स्वयं का जुड़ाव है, डॉक्टर एलपी पंत, दैनिक भास्कर से लंबे समय से जुड़े हुए, जयपुर में ही आप इस समय काम कर रहे हैं, डॉक्टर विनोद पुरोहित अमर उजाला आगरा से, और भाई राजेश बादल जो 80 के दशक में जयपुर में थे, तब से उनसे एक संवाद जब नवा टाइम्स में थे तब से लेकर आज तक अनेक मंचों पर उनका स्नेह सानिध्य सहयोग मिलता रहा है। तो आज हमारे इन 4 मित्रों के साथ पत्रकारिता के समकालीन हालातों, क्योंकि उन्होंने पूरे युग को देखा है, पिछले 40-50 साल की पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य को उन्होंने देखा है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व थोड़ी सी पृष्ठभूमि, इस दिन को बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहा, क्योंकि 1780 का वो जो दौर था सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही उसमें वैविध्य था। राजनीतिक दृष्टि से भारत गुलाम था, और ये एक आश्चर्य की बात है कि आज के दिन हम एक ऐसे पत्रकार को याद कर रहे हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो मूलतः एक अंग्रेज था जिसने इस देश में पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत की। मैं बहुत पहले की पृष्ठभूमि में नहीं जा रहा हूं, दुनिया में कब शुरू हुआ, कब शुरू नहीं हुआ, या महर्षि नारद पहले पत्रकार थे, कई तरह के लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन विधिवत रूप से जो अखबार शुरू होता है अंग्रेज शुरू करता है, और आज हम उसको याद करते हैं। इसलिए याद नहीं करते, या वो अंग्रेज पत्रकार इस देश में इसलिए नहीं आया था कि वो अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने में मदद करेगा। आज के दिन हम इसलिए याद करते हैं कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी थी, उसकी रोशनी में आने वाले दौर में हिंदुस्तान में
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और एक विदेशी हुकूमत के खिलाफ जन चेतना को जगाने में पत्र पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसका बदनाम है लेकिन मुख्य रूप से इसे हिक्की गजट या बंगाल गजट के रूप में जाना जाता है, साप्ताहिक अखबार शुरू किया। तत्कालीन वॉयसराय वॉरेन हेस्टिंग के साथ उनका एक मतभेद होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त विकृतियों, भ्रष्ट व्यवस्था पर जेम्स ऑगस्टस हिक्की अपनी कलम चलाते हैं। तो सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा है उसको वो क्वेश्चन करते हैं, पुलिस व्यवस्था में व्याप्त विकृतियों पर वो प्रहार करते हैं, न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं। जब लोकतंत्र के तीन स्तंभ पर वो प्रहार करे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की यातनाएं सही होंगी। सत्ता के कोप का भाजन होते हैं, उनके समाचार पत्र को प्रारंभ में जो सुविधाएं दी गई थी वो छीन ली जाती हैं, प्रेस पर छापे मारे जाते हैं, जेल में भेज दिया जाता है। सरकार के प्रिंटिंग के उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे उसका पेमेंट नहीं होता है, न्यायालय में गए तो न्यायालय ने भी कोई सहयोग नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब वो जेल में भेज दिया जाता है तब भी किसी तरह का समझौता नहीं किया। तो स्वतंत्र आत्मा की स्वतंत्रता के लिए, कलम की स्वतंत्रता के लिए उस व्यक्ति ने अखबार निकालने का एक संकल्प लिया था। अखबार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया लेकिन मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि जो दिशा उस व्यक्ति ने दी उस समय, जिसके पास कोई पत्रकारिता का प्रशिक्षण स्कूल नहीं था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, मूलतः व्यापारी के रूप में हिंदुस्तान में आए थे, लेकिन अखबार के माध्यम से कलकत्ता की सड़कों पर मरे हुए पशुओं को कई दिन तक नहीं उठाया, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उन्होंने लिखा। वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा कि अपने पति को सही रास्ते पर लेकर के आए। उस दौर की जो स्थिति थी उसने साहित्य की नई विधाओं को शुरू किया, लेटर्स टू द एडिटर के कॉलम शुरू किया। आज भी कुछ परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं। अंग्रेज अधिकारियों के जो यहां ट्रांसफर होते थे, हिंदुस्तान में आते थे या हिंदुस्तान से जाते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरें छापते थे। आज भी हम IAS और जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस के हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की खबरें छाप रहे हैं। लेटर्स टू द एडिटर अखबारों का एक प्रमुख कॉलम है। साहित्य की विधाएं किसी न किसी रूप में आज भी छप रही हैं। बुक रिव्यूज उसने छापी। तो मुझे कहीं लगता है कि जो परंपराएं उस व्यक्ति ने शुरू की उनका निर्वाह आज तक हो रहा है, इसलिए मैं उन्हें युगद्रष्टा पत्रकार के रूप में भी देखता हूं। कालांतर में कलकत्ता जहां से अखबार शुरू हुआ था वही अहिंदीवासी क्षेत्र हिंदी पत्रकारिता की जन्मस्थली भी बनता है। जब 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन होता है, अहिंदी भाषी क्षेत्र से जन्मी हिंदी पत्रकारिता कालांतर में उसने एक भावनात्मक एकता को कायम किया, इस देश की उस पूरी विचार चेतना को अपने साथ जागृत करने की कोशिश की और एक ऐसी सत्ता को जिसके लिए कहा जाता है कि उनके राजकाल में सूर्यास्त नहीं होता था, उसको यहां से उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन की आधार भूमिका तैयार है। वो मिशनरी भाव चाहिए एक संपादक, वेतन हर संपादकीय पे एक गिलास ठंडा पानी, दो सूखी रोटियां, 10 वर्ष की जेल, ये अखबार के संपादक का पारितोषिक मिलता था। अखबार में छपने वाली सामग्री, शब्दों की वर्तनी, उसको लेकर के एक बहस चलती थी। भाषा का निर्माण किया, साहित्य की विभिन्न विधाओं को आगे बढ़ाया। पत्रकारिता और साहित्य कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उस दौर के पत्रकार साहित्यिक चेतना के भी से भी संपन्न थे। वो संवेदनशील दृष्टि जो एक साहित्यकार में होती है वो उनकी पत्रकारिता में भी लक्षित होती है। बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं जाने कितने नाम आपके सामने लूं। आप चाहे भारतेंदु की बात करें, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, लोकमान्य तिलक की बात करें, गांधी की बात करें, कितनी एक पत्रकारों की परंपरा रही जिन्होंने इस देश की निरक्षर कही जाने वाली जनता, साक्षरता बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, संसाधन कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, आज जिस तरह से तकनीक विकसित हुई है वो तकनीक नहीं थी, सीमित प्रसार संख्या, सीमित संसाधनों के बावजूद पत्रकार इतना परिपक्व था वैचारिक दृष्टि से भी कि उसने पूरे जनसमूह को अपने साथ लिया। समय बदला, देश आजाद हुआ, राष्ट्रीय नर निर्माण की चुनौतियां हमारे सामने थी
और उसमें पत्रकारिता की भूमिका को भी स्वीकार किया गया। देश में दो प्रेस कमीशन बने जिन्होंने प्रेस की भूमिका पर व्यापक और गंभीर चिंतन मनन किया। कई संस्तुतियां उन्होंने की, कुछ स्वीकार की गई, कुछ स्वीकार नहीं की गई, चीजों को नियमित करने की कोशिश की गई। मिशन से पत्रकारिता व्यावसायिक होती चली गई। व्यावसायिक होना बुरा नहीं था, कमर्शलाइज होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे विस्तार होता गया ज्ञान विज्ञान का, उसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जिस तरह से मीडिया समूह आने लगे, एक नए युग को हमने देखना शुरू किया। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिर तकनीक ने इस सोशल मीडिया का जिस तरह से हमारे सामने एक खुला साम्राज्य रख दिया है, न जाने कितने रूप देखने को मिले। सिटीजन जर्नलिस्ट की बात की जाने लगी, तो मिशन से प्रोफेशन, और दबे स्वर में कई लोग कमीशन की बात भी करने लगे। प्रेस काउंसिल ने विचार मंथन किया, पत्रकारिता के एथिक्स को लेकर के सवाल उठाने जाने लगे। हर पत्रकार संगठन ने अपने एथिक्स बनाए। मैंने पूरी पुस्तक संपादित की है जिसमें देश दुनिया के बहुत सारे संगठनों के उन कोड ऑफ कंडक्ट को संकलित करने का एक प्रयास किया है। मीडिया ट्रायल की बात होने लगी। न जाने ऐसे कितने मुद्दे थे जो इन पत्रकारिता के साथ जुड़ते चले गए। सरकारी कंसेशन मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, उसको लेकर के बहस होने लगी। प्रेस काउंसिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संपाद की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने शुरू किए। टेलीविजन का दौर जब आता है, प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद, टेलीविजन ने भी अपने यहां ऐसी आंतरिक व्यवस्था करने की कोशिश की कि कहीं चीजों को नियंत्रित किया जा सके। प्रेस कमीशन के बाद मीडिया कमीशन की बात होने लगी। तो ऐसे दौर में, आज जिस तरह के दौर में हम पहुंच गए हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पत्रकारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर संपाद की स्वच्छता की रक्षा को लेकर। संयोग से हमारे साथ जो मित्र हैं उन्होंने विभिन्न कैपेसिटीज में काम किया है, पंजे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो संपादक रहे, पूरी टीम का नेतृत्व किया, नए पत्रकारों को प्रोत्साहित किया, उस पूरे पिछले 20-25-30 साल के युग, 40 साल के युग को उन्होंने देखा कैसे करवटें बदली हमारी पूरी परिस्थितियों ने। उस दौर में वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, अखबार किस तरह से जन आकांक्षाओं के केंद्र बन सकते हैं, किस तरह से जो अपेक्षाएं हैं, हम विकास की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उन सब में प्रेस की भूमिका, मैंने जाना कितनी सेमिनार की होंगी जहां हम प्रेस की भूमिका को स्वीकार करने के लिए उसकी भूमिका पर विचार विमर्श करते हैं। इस दौर में जब व्यावसायिकता इतनी हावी हो गई है, उस दौर में आज पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें किस रूप में देखते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ में शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी की व्याख्याता हैं, और ये कम्युनिकेशन टुडे जिसके माध्यम से हमने सीरीज शुरू की 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, आज ये 18वीं सीरीज, उस श्रृंखला का 18वां हिस्सा है जब हम पत्रकारिता की मीडिया से जुड़े विषयों पर बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे 24 साल की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। एक कोशिश की मीडिया के क्षेत्र में शोध अनुसंधान हो रहा है, इस पत्रिका के माध्यम से देश के हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, मीडिया कर्मी इनके सामने पहुंचे, और पैंडेमिक के दौर में, हालांकि सौभाग्य से पैंडेमिक अब लगभग खत्म हो गया है, लेकिन तकनीक ने जो ये नई विकल्प हमको दिया है, हम इसको जारी रखते हुए इस विचार विमर्श को कोशिश करेंगे सतत जारी रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, उनके साथ जुड़ करके एक विचार श्रृंखला को हम बनाए रखेंगे। यह विचार विनिमय की श्रृंखला किसी सार्थक निर्णय को लेने की अपेक्षा नहीं है, ये केवल एक विचार है। विभिन्न पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इन माध्यमों की प्रकृति को समझें और भविष्य के लिए कुछ दिशा तय कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें। डॉक्टर उषा साहनी, धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे अतिथिगण जुड़ चुके हैं, जिनमें से सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मी प्रसाद पंत जी को, और हमारे सभी अतिथियों के वक्तव्य के पश्चात प्रश्न लिए जाएंगे। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और समय रहा तो हम आपसे वीडियो ऑन करके रूबरू बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ लक्ष्मी प्रसाद पंत जी को।
आप दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर तथा वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, जो एक पत्रकार के साथ साथ एक संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने हिंदी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की, तत्पश्चात आपने सिटी रिपोर्टिंग में पीएचडी की उपाधि जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डॉक्टर पंत यूं तो देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों से जुड़े रहे, लेकिन दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण से के साथ आप पिछले काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपकी संपादकीय प्रतिभा के कारण दैनिक भास्कर ने जयपुर में अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई। डॉक्टर पंत की पुस्तक जो केदारनाथ और नेपाल की त्रासदी पर केंद्रित है, हिमालय का कब्रिस्तान, विशेष चर्चित रही है। ऐसे संवेदनशील पत्रकार और साहित्यकार को आमंत्रित कर रही हूँ जिसने आम आदमी की पीड़ा और संवेदना को अपने आलेखों और पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही गहराई के साथ सदैव प्रकट किया है। सर आपका स्वागत है। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, जी आवाज आ रही है। नमस्कार सबको, सारे साथियों का नमस्कार, बानावत जी को, बादल जी को, अब जितने भी साथी हैं उन सबको। वैसे तो बादल जी बहुत सीनियर हैं, राजेश बादल जी, वो उनसे हमने शुरू के दौर में जब जर्नलिज्म में आए थे और शुरुआत थी हमारी, तो हमने बहुत सारी चीजें उनसे उनकी पहचान को हमने एक पत्रकार के तौर पर देखा है। बस मैं बादल जी जो जिस बात को चुनौती के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन मैं जो आज मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मीडिया का दो गुटों में, दो धड़ों में बढ़ जाना। जो मुझे लगता है कि इस पर जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि किस तरीके से मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया है और जिस तरीके से बिंब गढ़े जा रहे हैं, मतलब हर गुट के अपने अपने बिंब हैं, वो जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है। तो जो होता है ना, कुछ लकड़बग्घे की तरह जो कुछ लोग होते हैं, जो वो भी वो पत्रकारिता में भी ऐसे लोग आ गए हैं, तो ये बड़ी चिंताएं जो है कि वो ये है कि अब मतलब जो दो गुटों में जो मीडिया बट गया है, अब गोदी मीडिया की बात होती है, फिर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे बिंब आ जाते हैं, तो इसमें सवाल ये है कि एक्चुअल हम कहना क्या चाहते हैं। जो व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा मानना है कि ना हमको जो है जो 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 सच के जो ठेकेदार वाले जो प्राइम टाइम है वो भी नहीं चाहिए हमको, और जो जो मतलब जो भारत की जो पूछताछ करते हैं जो लोग, वैसा पत्र वैसा जर्नलिज्म भी हमको नहीं चाहिए। जर्नलिस्ट के तौर पर कि हमको खबरें सच्ची और खोजी खबरें चाहिए, जो इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिएगा किसान आंदोलन चल रहा है इस वक्त, तो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरीके रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो एक बड़ा 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 सवाल ये है। किसान आंदोलन में हमारी जो जिस तरीके रिपोर्टिंग हो रही है, वो दो तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, वो दो विचारधाराओं के साथ रिपोर्टिंग हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब लोग लाल किले के अंदर जो लोग घुसते हैं, लाल किले में जो लोग उपद्रव करते हैं, उनको लेकर हर व्यक्ति का, जर्नलिस्ट का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। जबकि सच ये है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। दिक्कत में यही इस वक्त जो जर्नलिज्म की सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं किसान आंदोलन के खिलाफ कोई खबर लिखता हूँ तो मैं गोदी मीडिया हो जाता हूँ, और मैं अगर उसके पक्ष में कोई मतलब मैं पक्ष में कोई खबर लिखता हूँ तो मैं टुकड़े टुकड़े गैंग मीडिया का सदस्य हो जाता हूँ। तो जो ये जिस तरीके से नरेटिव क्रिएट किया, सेट किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इस मीडिया के अंदर। दूसरी मीडिया के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि पत्रकारों से ज्यादा सूचनाएं इस वक्त पाठकों के पास हैं। जिस जयपुर शहर में मैं इस वक्त हूँ, इस वक्त हमारे पास जयपुर में इस वक्त 25 से 30 रिपोर्टर हैं, लेकिन शहर में इस वक्त कम से कम 40 लाख लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब ये बड़ी चुनौती जर्नलिस्ट के तौर पर, एक अखबार के साथ एक प्रिंट मीडिया के एडिटर के तौर पर मेरे सामने ये है कि हमारे 25 रिपोर्टर उन 40 लाख लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे जो मिनी सेकंड में खबरों को लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। वो 45 से 40 लाख लोग जिनके पास स्मार्टफोन है,
जो मिनी सेकंड में खबरों को लोड कर रहे हैं। और सुबह हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि हम अपने रीडर को क्या देंगे, तो ये जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जो मतलब पत्रकारों से ज्यादा सूचनाएं इस वक्त पाठकों के पास है, ये जो सबसे बड़ी चुनौती है। एक जो जो तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती जो मतलब जो बहुत मतलब निकल कर सामने आई है वो है कि पत्रकार कौन है। क्या जिसके पास स्मार्टफोन है, कैमरा है, वो पत्रकार है, या वो लोग पत्रकार हैं कि जो स्टूडियो में बैठकर समाचार वाचन करते हैं। अब आप देखिए कि मतलब लगातार ये डिबेट होती रही है कि पत्रकार कोई परफॉर्मर नहीं है, मतलब कई बार ये डिबेट होती रही है कि ना वो परफॉर्म नहीं कर सकता पत्रकार, लेकिन वो कोई परफॉर्मर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 8 बजे 9 बजे जो लोग प्रकट होते हैं, वो जो परफॉर्मर की जिस भूमिका में प्रकट होते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप कल्पना कीजिए कि मतलब पिछले आप कोविड को दौरान रिपोर्टिंग को आप देखेंगे तो एक बहुत बहुत बड़े टीवी एंकर हैं, बहुत बड़े प्राइम टाइम एंकर हैं, बहुत बड़े, वो 1 साल से 9 महीने से अपने घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रकट होते हैं रात को और फिर रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से जर्नलिज्म चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पूरे कोरोना काल के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट पूरी गायब रही है। आप सोचिए कि सरकारों ने किस तरीके से डेटा को दबाने की कोशिश की, गलत डेटा मतलब मीडिया में जारी होता रहा है। सरकारों ने हेल्थ मिनिस्टर्स ने, हेल्थ सेक्रेटरीज ने, जिले के CMHO ने जिस तरीके से कोविड के दौरान मतलब व्यवहार किया वो सबसे खतरनाक था। एक महामारी का दौर था, जर्नलिस्ट के तौर पर जिस तरीके जो ग्राउंड में थे जो लोग, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि जब हम किसी युद्ध की रिपोर्टिंग करते हैं, जब किसी हम आपदा की रिपोर्टिंग करते हैं, किसी दुर्घटना एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमको ये पता होता है कि कहाँ पर खतरा है। लेकिन ये वो दौर था कोविड का, ये वो दौर था जब हमको ये पता नहीं होता था कि खतरा कहाँ से आएगा, किसके छूने से खतरा हमको पैदा हो सकता है। लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने इस पे भी ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग की, लेकिन मीडिया का एक दूसरा वर्ग था जो मतलब टीवी के सामने रात को प्रकट होता था और अपने घर से रिपोर्टिंग करता था। ये वो लोग थे जो सच को सामने लाने के अपने अपने चेहरे जिनके पास थे। ये जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। टीवी एक हमारे सामने बड़ी चुनौती है, राजेश बादल जी इसको बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो उनके मतलब उसके वो बहुत बड़े हिस्से रहे हैं और हिस्सा हैं कि टीवी ने जो जर्नलिज्म को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो टीवी ने पहुंचाया है। इसकी दो वजह है, इसकी एक वजह वो है कि 2010 के बाद जिस तरीके से टीवी का बदलाव शुरू हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब ताकतवर लोगों से टकराने की जो चुनौतियां थी वो जब मैं 20 साल 22 साल पहले जर्नलिज्म में आया तब भी वैसी ही थी जैसी आज है, सिर्फ अब चेहरे बदल गए हैं, चुनौतियां वैसी की वैसी हैं। जो टीवी की जो पत्रकारिता थी जो 2010 के बाद से जो बदली है, और खासतौर से 2006 के बाद जब ट्विटर और फेसबुक में लोग सक्रिय होना शुरू हुए, उस वक्त से जिस तरीके से टीवी जर्नलिज्म जिस तरीके से तेजी से बदला है वो हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्रकार जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं वो पत्रकार से ज्यादा राहत कर्मी होते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी विचारधारा को राहत पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके रिपोर्टिंग हम मतलब, और एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो सवाल पूछने की चुनौती। तो संवादहीनता इस वक्त मतलब जिस दौर से हम संवादहीनता के एक मंत्री के बीच की जो संवादहीनता है, मुख्यमंत्री के बीच की जो संवादहीनता है, विधायक के बीच की जो संवादहीनता है, सचिवालय में जाने के लिए जो पाबंदी है, विधानसभा के अंदर रिपोर्टिंग करने की जो पाबंदी है, जो संवादहीनता है, इस वक्त हम उस वक्त इस संवादहीनता के दौर से भी बहुत सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं कि जिस तरीके संवादहीनता हमारे सामने खड़ी है वो बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे कि किसी भी, अब पहले हम लोग किसी भी मंत्री का इंटरव्यू बहुत आसानी से ले लेते थे, अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि किसी मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए किसी सिटी रिपोर्टर को, किसी ब्यूरो चीफ को मेहनत करनी पड़ती है। उस शहर का मेयर भी आपको इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं है, वो कहता है कि आप जो है मैम हम फेसबुक पर देख लीजिए, हम वहाँ पर भेज देंगे, ट्विटर पर हम देख लीजिए। तो जो संवादहीनता है जिस तरीके हमारे सामने खड़ी हुई है, ये बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती। इस वक्त दरअसल हम सब लोग इस वक्त एक सांस्कृतिक थकान के दौर से गुजर रहे हैं और पत्रकारिता में भी एक सांस्कृतिक थकान इस वक्त चरम पर है और एक प्रोसेस है।
जिस वक्त मैंने कहा ना, इस पर जो टीवी के अंदर जिस तरह के बदलाव की जो प्रक्रिया चल रही है, मीडिया के अंदर जो जिस तरह की बदलाव की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके आने वाले दिनों में इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो है, इस वक्त जो प्रोसेस हमारे सामने चल रहा है, वो एक बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने खड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये जर्नलिज्म का जो चेहरा हम अभी देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हम इस चेहरे को लगातार अलग अलग रूपों में देखते रहे हैं। इस चेहरे के सिर्फ उसके भूमिकाएं बदल रही हैं, लेकिन चेहरे ऐसे ही हैं। बस अंतर इतना है कि किसी किसी वक्त दो चेहरे होते थे, अब चेहरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन चेहरे वैसे ही हैं और उनके होने के मायने भी वैसे ही हैं। आप देखिएगा कि ये कहा जाता है कि 2010 जब से अगले मतलब 10 सालों में जिस तरीके से जनरेशन बदला है, ऐसा नहीं है। आपको कल्पना कीजिए कि हमको ये याद नहीं है अभी तक कि बोफोर्स तोप के अलावा भी कोई इस देश में कोई बड़ा घोटाला हुआ था। हमको किसी को याद नहीं है। ऐसे नहीं घोटाला मतलब बादल जी थोड़ा उस पर ज्यादा बता पाएंगे, हमको याद नहीं है। लेकिन ये घोटाला भी किसने उठाया सबसे पहले, मतलब इस घोटालों को उठाने वाले भी पत्रकार नहीं थे। ये कुछ पार्टी के कुछ लोगों ने इस घोटाले को सामने लाया और उसके बाद फिर मीडिया में ही आया। मतलब खबरों को सामने लाने की जो बेचैनी है, वो पत्रकारों में किस रूप में और कैसे रही है, ये हम बेहतर समझते हैं। बस मैं सिर्फ इतना मतलब मेरा इसमें एक ही पॉइंट मेरा इसमें है कि ये जो सांस्कृतिक थकान के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये प्रोसेस की प्रक्रिया है। लेकिन जो पत्रकारिता का जो किला है, मतलब उसको उस पत्रकारिता के इस किले को जो है गिराने के तूफान जो है वो सालों से उठ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि पहली बार पत्रकारिता के इस किले को गिराने के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन ये किला गिरता नहीं है। ये किला इसलिए गिरता नहीं है कि इस किले की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, इसलिए तूफान आता है और गुजर जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पत्रकारों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, हम बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारा बचा रहना बहुत जरूरी है, हमारा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसी संदर्भ में इसी इसी शब्दों के साथ मैं आपसे मतलब इस अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि जिस तरह की मीडिया के सामने जो नई चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हुई है, वो टेक्नोलॉजी की चुनौती है, वो चेहरों की चुनौतियाँ हैं, वो सोशल मीडिया की चुनौती है। ये भी कहा जाता है कि पत्रकार को विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए, और हमको जब मैं पढ़ता था तो हमको यही पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये नरेटिव बिल्कुल बदला हुआ सा है कि भाई अभी विपक्ष, अभी आज की स्थिति में हमको विपक्ष से भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे सामने इतना बड़ा विपक्ष है, इतनी सारी पार्टियां हमारे सामने विपक्ष के तौर पर हैं, इतने सारे गुट हमारे सामने विपक्ष के तौर पर हैं। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि हम सरकार से सिर्फ नेगेटिव सवाल ही पूछेंगे। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि सरकारों से भी हमको नेगेटिव मतलब उनके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, और वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनके पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए। विपक्ष कोई अच्छा काम कर रहा है उसके पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए, और विपक्ष कोई खराब काम कर रहा है उसके भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बस सच की जो आवाजें हैं वो मतलब उठनी चाहिए, सच के जो चेहरे हैं उनकी बेचैनियां हैं, उनकी छटपटाहट है, वो बनी रहनी चाहिए। पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। आज के इस दिवस पर आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसका एक खूबसूरत वाक्य, पत्रकारिता का किला गिरता नहीं है, बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी आंधियां आती हैं, लेकिन वो खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। एंड अनडाउटेडली जब आपने चैलेंजेस की बात की बड़े ही साफ और सरल शब्दों में, पॉइंट वाइज आपने इन चीजों को उभार कर सामने रखा। सबसे पहले कि प्रेजेंट क्या करना है, ऑफ कोर्स इट्स अ रियल चैलेंज एंड अ फाइट फॉर एवरी सेकेंड एवरी मिनट बिकॉज ऑफ द अदर ऑपोजिट पार्टीज एज यू टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया एंड एन नंबर ऑफ हु इज द रियल जर्नलिस्ट, सच्ची पत्रकारिता क्या है और सच्चा पत्रकार कौन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है वो ये कि ग्राउंड रिपोर्टिंग और स्टूडियो रिपोर्टिंग, एंड व्हेन अ पर्सन इज देयर एट द ग्राउंड ऑब्वियसली ही और शी इज नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट बट अ सेंसिटिव पर्सन। वो वहां रह करके किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
राहत कर्मी के रूप में, विच शोज दैट अ जर्नलिस्ट शैल बी एंड इज प्रूविंग टू बी अ वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑल्सो. और बहुत बड़ी बात, संवादहीनता, ये तो जिस भी फील्ड में आएगी वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. एन नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव डिस्कस्ड सर, बट आई वुड सम अप विद दिस दैट वट एवर पॉइंट्स यू हैव ब्रॉट फॉरवर्ड, दे आर जेन्युइन, दे आर टू बी टॉक्ड अबाउट, थॉट अबाउट एंड कंसिडर्ड इन अ वे सो दैट वी कैन कम आउट विद पॉजिटिव रिजल्ट. जिसमें आपने ये भी कहा कि ठीक है, वट एवर इज हैपनिंग, इफ नेगेटिव इज हैपनिंग वी शुड हैव अ वॉइस, If positive is happening, appreciation should be done. बहुत खूबसूरत वक्तव्य आपका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर. हमारे पहले वक्ता के पश्चात मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ वक्ता कमल दीक्षित जी. आपका लगभग 50 वर्षों से सक्रिय, आप लगभग 50 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. नहीं रहने दो जी. कमल दीक्षित जी मूल्यपरक पत्रकारिता के अभियान से पिछले कई वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. आप सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यू के नेशनल कन्वीनर हैं. श्री दीक्षित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उसी दौरान विश्वविद्यालय के खंडवा स्थित कर्मवीर विद्यापीठ के प्राचार्य के रूप में भी आपने कार्य किया. श्री दीक्षित देश के अनेक प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इनमें इंदौर का नवभारत, जयपुर का राजस्थान पत्रिका, मध्य प्रदेश का महाकौशल डेली आदि प्रमुख हैं. प्रमुख संवाद समिति समाचार भारती के भोपाल, चंडीगढ़, नागपुर और नई दिल्ली ब्यूरो में भी आप सेवाएं दे चुके हैं. दैनिक भास्कर जयपुर से भी आप लंबे समय से जुड़े रहे. ग्रामीण पत्रकारिता और विकास संचार के क्षेत्र में अरसे तक शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी आपने किया है. देश के अनेक विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप सदस्य रहे हैं. साथ ही अतिथि वक्ता के रूप में अक्सर आमंत्रित किए जाते रहे हैं. पत्रकारिता विषय आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं, जिसमें समाचार संपादन तथा मूल्य परक पत्रकारिता प्रमुख हैं. आप राजी खुशी मासिक पत्र के संपादक भी हैं. माउंट आबू के प्रजापति ईश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले मीडिया सम्मेलनों में आपकी प्रमुख भूमिका रही है. श्री दीक्षित जी देश के उन वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं जो लगातार पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में काम कर रहे हैं. आपको सादर आमंत्रित करती हूं सर. नमस्कार, क्या आप सब लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर. अच्छा, तो आप सभी को नमस्कार. भानावत जी, राजेश बादल जी, पंत जी और अन्य सब मित्रों, पत्रकारिता की चुनौतियों पर हम लोग बात कर रहे हैं और अभी मुझसे जो पहले बोले हैं उन्होंने काफ़ी विस्तार से और चरणबद्ध तरीके से सारी बातें आपसे की हैं. मित्रों, असल में मेरी समझ तो ये कहती है कि इस समय हम पत्रकारिता के ऐसे चौराहे पर हैं जहाँ से हमको भी तय करना है कि पत्रकारिता का निहित उद्देश्य असल में क्या है, पत्रकारिता का जो मकसद है वो मकसद क्या है, पत्रकारिता किन लोगों के लिए है, किन लोगों को संबोधित है, ये कुछ प्रश्न असल में चुनौतियों के संदर्भ में उपस्थित होते हैं. इनका एक आशय तो यह है कि जैसे पत्रकारिता क्या बाजार के लिए है, क्या वो समृद्ध लोगों के हितों की रक्षा पोषण उसके संदर्भ में है, क्या वो क्या के जो लोग हैं उन लोगों के लिए पत्रकारिता एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, या पत्रकारिता उन लोगों के लिए है जो जिसे हम सामान्य तौर पर जनता कहते हैं, या जिसे हम अगर संविधान की भाषा में कहें
तो जिसमें सार्वभौमिकता निहित है वोट वोट के माध्यम से उस पूरे के पूरे उसको संबोधित है पत्रकार। दूसरा, इसको जो करने वाला पत्रकार है वो असल में कर्मी है या स्वतंत्र चेता संवाद सूचना देने वाला व्यक्ति है जो अपनी समझ और अपनी चेतना के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने लक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी समझ को, यानी पत्रकारीय समझ को, पत्रकारी कौशल के संदर्भ में जो समझ है उसके आधार पर समाचार के रूप में और विचारों के रूप में लोगों के साथ संबोधित होता है। ये बातें हैं। मुझे इस ये असल में इस समय की आसन्न समय की अगर चुनौतियों के संदर्भ में अगर हम बहुत ईमानदारी से बात करें तो ये बातें हैं। देखिए, अगर पत्रकारिता लोगों को सूचना और सूचना के माध्यम से अगर उनको अपना अभिमत या उनका मत बनाने का काम करती है, जिसे हम सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि वो सामाजिक शिक्षण का काम करती है और वो सतत शिक्षण का काम करती है, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें ठहर करके सोचना चाहिए और एक मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सचमुच में इस समय पत्रकारिता उस तरह से कर रही है या किसी के एजेंडा को लेकर के पत्रकारिता, वो एजेंडा किसी का भी हो सकता है, वो एजेंडा स्वयं माध्यम का हो सकता है, प्रशासन का हो सकता है, वो बाजार का हो सकता है, मतलब कोई भी एजेंडे पर बात करने के लिए वो बात कर रही है या लोगों को जो आसन्न परिस्थितियां और जो मूल है उनको बताने का काम कर रही है। इन सारे प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारिता से जो अपेक्षा करते हैं या जो लोग पत्रकारिता से अपेक्षा करते हैं, माध्यमों सूचना माध्यमों से जो अपेक्षाएं की जाती हैं वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसमें हमें इस सच्चाई को स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पिछले दिनों अगर हमने पत्रकार कम से कम दो उन्होंने ठीक कहा था 2010 के बाद में पत्रकारिता का या माध्यमों के साथ की जाने वाली पत्रकारिता का चेहरा चलन दोनों बदल गए हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो। और बल्कि थोड़ा सा और बाद में कहें तो इस समय 2014 के बाद तो स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ी। आपने देखा होगा कि एनके सिंह ने एक बार कहा था, ये जब बहस के संबंध में बात हो रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था, असल में मैं इस पर जब हम लोगों ने प्राइम टाइम में बहस शुरू की थी, डिबेट शुरू की थी, तो डिबेट का आशय था कि विषय को खोलकर और समझाने का प्रयत्न करना। मगर 2014 और 16 के बाद में और 2000 में अगर आप देखें तो इसके बाद के वर्षों में अगर देखें तो एक तरह से वो पूरी की पूरी डिबेट चिल्लाहट, शोर और अपने पक्ष में अपने मत को लाने के लिए पूरी तरह से बदल गई। तो इस तरह से सामान्य तौर पर जो लोग, जो एक्सपर्ट्स और वो बैठते हैं, वो भी एक तरह से एक डिफरेंट एजेंडा के आधार पर बात करने के लिए बैठते हैं। ऐसे में असल बताइए सच कहाँ रहता है? सच तो कहीं बहुत ज्यादा दब जाता है। वो जो पत्रकारिता का एक आशय था कि वो छिपे हुए सत्य को उघाड़ने का, अनकवर करने की कोशिश करता है पत्रकारिता है, तो वो तो एक तरह से और उल्टा हो जाता है। तो सच को दबाए रखने के लिए जो प्रयत्न है वो प्रयत्नों को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करने की बात होती है। तो मित्रों, असल में इस समय जो हम सब लोग एक तरह से सारी चीजों को जानते हैं, और एक संगोष्ठी में एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक बात कही थी और वो बात कमोबेश करीब करीब हम पत्रकारों पर भी लागू होती है। विचारों के तलों पर, यानी राजनीतिक विचारों के संदर्भ में, सेवा संबंधी और माध्यमों के विचारों के संदर्भ में हम भी कहीं इस तरह से बट करके भटकने लगे हैं कि कहीं हमको भी लगता है कि हम सत्य की खोज के बजाय जो कुछ कहा जा रहा है उसके
इस तरफ या उस तरफ खड़े हो जाएं और इस तरफ और उस तरफ खड़े होकर के अपनी बातें कहते रहे। तो इससे इस दौर में असल में पत्रकारिता की एक चुनौती नहीं है बल्कि चौतरफा चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से निकल पाना मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सरल नहीं लगता है। कारण है कि हम स्वयं भी उसके लिए कितने पिछले में बाकी संदर्भों से चूंकि आप परिचित हैं, अगर आप सच बोलेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, आप अगर सच नहीं बोलेंगे तो आप स्वीकार नहीं कर आपको स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनके संदर्भ में इन तरह की बातें हैं। ये तो अच्छा है कि कुछ इस बहाने से हम लोग एक तरह से अपनी बातचीत कर लेते हैं, पर व्यवहार में दरअसल में क्या हो रहा है, उन व्यवहार के संदर्भ में इन चीजों को देखते हैं तो ये बातें केवल जो कहा जाता है ना संगोष्ठी, और इसमें हम सारी अपने मन की बातें कर लेते हैं, और वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें थोड़ा बहुत सच सामने उभर के आता है, बाकी तो सारी की सारी बातें जो है वो जब जो जो सूचना के असली माध्यम है उन पर ये सारी बातें नहीं आ पाती। इस माध्यम से जब हम बात कर रहे हैं तो पहले भी जो बात कही गई वो भी बहुत सच और अच्छी तरह से बात कर रहे थे, और मेरी भी कुछ बातें जो है वो ठीक है। आपके चेहरे पे आ रही मुस्कान इस बात की गवाही दे रही है कि हाँ कुछ बातें हैं जिन बातों को हम स्वीकार कर दें। केवल स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जो हम लोग जो पत्रकारिता की पढ़ाई से जुड़े रहे हैं, अध्ययन और अध्यापन से जुड़े रहे हैं, या जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं मतलब जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको बहुत गहरे में ये सोचना पड़ेगा कि आपका आशय और उद्देश्य क्या है। अगर आपका आशय और उद्देश्य लोगों को सच और सत्य सूचना देना है तो आपको जोखिम लेकर के खड़े होना पड़ेगा। अगर आपको सच के संदर्भ में खड़े होकर के बात करना पड़ना तो आपको एक जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सच बोलना एक तरह का जोखिम है, और उस जोखिम को अगर आप नहीं उठाते हैं तो पत्रकारिता के आशय और पत्रकारिता का जो पारंपरिक मकसद रहा है उससे आप अलग हट जाते हैं। हम बहुत सारी बातों में इनने अच्छा किया, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे इन दिनों में अगर बहुत चीजों को अगर बहुत देखें तो दिखने में जो चीज बहुत अच्छी दिखाई देती है असल में परिणाम उसके बहुत भयावह हो सकते हैं। ये बहुत साफ बातें हैं, इसलिए हम लोगों को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करके, केवल विचार नहीं करना है बल्कि मैं तो ये कहा मैं तो संभवतः ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इस संबंध में अब वो समय आ गया है जबकि हमको खड़े होना है, और चाहे हमारा वर्टिकल विभाजन हो मतलब हम इस तरफ हो जाएं, या जो लोग भी पत्रकारिता में सूचना संवाद के लिए जो गांधी जी ने भी कहा था, असल में आप इसे सेवा का एक उपकरण मानते हैं, अगर मानते हैं कि सत्य को बताने के का उपकरण है यह, तो हमको इस संबंध में इन शब्दों की सच्चाई को लेते हुए बात करनी चाहिए, और इन्हीं इस संबंध में बहुत कहा थोड़ा समझते थोड़ा कहा बहुत समझने के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते हम कि ये केवल बातचीत नहीं बल्कि एक कार्यक्रम में बदल जाए तो मुझे लगता है कि हम इस तरह जो बातचीत आपस में मिलके करते हैं उसे एक उद्देश्य की तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कम्युनिकेशन टुडे का बहुत बहुत आभार, भानावत जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस जोखिम भरे समय में चुनौतियों के बहाने पत्रकारिता के उन बिंदुओं को रेखांकित करने के लिए अवसर दिया है जो आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, सुंदर बात कही आपने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोफेसर भानावत ने प्रोवाइड करवा दिया जो कम से कम यहाँ सब लोग दिल खोलकर अपनी बात कह पा रहे हैं, और ये भी सच है कि जोखिम उठाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, और उसको आपने बड़ी ही
इम्पोर्टेंस के साथ कहा कि आज का या कल का या आने वाले कल का जर्नलिज्म तभी सही होगा जब ये जोखिम उठाने का हर किसी में वो साहस आ जाए। आपने भी बहुत क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात को रखा सर। महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है, और इट शुडंट बी एजेंडा बेस्ड, इट शुड बी फेयर। समझ आए कि क्या सच है, ये नहीं कि हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, वो तो हर प्रोफेशन का काम है, जर्नलिज्म का काम कुछ और कहता है। हर तरह से पारदर्शी हो, और बहुत सारे ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा और होगा तो हम और सकारात्मकता की तरफ बढ़ पाएंगे। और बिल्कुल सही बात, जब डिबेट्स हो रहे हैं, जब आपने कहा कि आपने जब इस श्रृंखला को अपने टीवी और चैनल्स के माध्यम से शुरू किया तो बहुत शालीनता से, सभ्यता से एक दूसरे के विचारों को रखना और सुनना ये संभव हो पाता था, किंतु आज के दौर में ये सत्य है और ये जोखिम मैं भी उठा रही हूँ सेवा में होते हुए कि आप अपनी बात को मूर्त रूप में कहें और उसको निभाते हुए चलें कि हाँ ये गलत जो हो रहा है उसे आप गलत बोले और सही को सही बोलें। ये वाकई जोखिम भरा हो गया है। सुंदर वक्तव्य आपका, आपका हृदय से आभार सर। हम भी फॉर्चुनेट हैं जो आप जैसे शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हुए, आपने समय दिया, आपका आभार सर। आपके इन शब्दों के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने बीच डॉक्टर विनोद पुरोहित जी को। सर आई होप वो ज्वाइन कर चुके हैं। जी 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 नमस्कार। ओके राइट सर, राइट सर। डॉक्टर विनोद पुरोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार पंत जी, नमस्कार भानवत जी, नमस्कार राजेश बादल जी, नमस्कार सादर नमस्कार। हाँ डॉक्टर विनोद पुरोहित जी वर्तमान में अमर उजाला के आगरा संस्करण के स्थानीय संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव है, इसके पूर्व आप दैनिक हिंदुस्तान, नई दुनिया, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ भी जुड़े रहे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता पर आपने अपना शोध कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरा कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर पुरोहित एक पत्रकार के साथ साथ कवि भी हैं। पत्रिकाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आपकी बहुत ही भावपूर्ण और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी कृतियां अक्सर देखने पढ़ने को मिलती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर पुरोहित को कि वे अब अपने विचारों को हम सबके साथ साझा करें। डॉक्टर पुरोहित एक बार फिर सभी साथियों को नमस्कार, मैडम आपको भी नमस्कार, आपने मुझे ये मौका दिया ये बात करने का। संजीव भानवत जी को खासकर विशेष सादर आभार। दरअसल क्या है कि मैं वहीं से अपनी बात करूंगा जो आदरणीय कमल दीक्षित जी और पंत जी ने जहां छोड़ी थी वहीं से बात करूंगा। खासकर कमल जी ने जहां से बात की है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, खुद के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं या कारपोरेट के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। इन तीनों के बीच में कहीं वो छुपी हुई है जहां की जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। दरअसल क्या है, पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा करना भी आज के दौर में बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि हमें चुनौतियों के बीच भी कहीं समाधान दिख रहा है। मतलब जहां दर्द है वहीं दवा है, लेकिन कोई भी उसको आगे जाके कहीं बात सब करना चाहते हैं, उस पर चिंतन सब करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी परिचर्चाएं होती हैं, लेकिन हम लगता है कि उसमें अब उसको आप मजबूरी कहें, इच्छा शक्ति का अभाव कहें या जो भी है, उसमें वो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जैसी जैसी अभी बात हुई सबने, जैसे पंत जी ने बोला कि भाई हमें बहुत निरपेक्ष रूप से देखना होगा, हम प्रश्न उठते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जो मैडम आप बोल रही थी कि हम बड़ी चुनौती के रूप में मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या वाकई में हम उसको निरपेक्ष रूप में देख पाएंगे क्या, क्योंकि हमारे सामने जो जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है बाजार। क्योंकि खबर खबर जिसे हमें खबर बेचना है, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले जो दिखता है वो बिकता है,
तो अब हमारा जो है जो बिकता है वही हम दिखाते हैं। अब जो बिक रहा है उसके अलग अलग तरीके हैं कि वो क्या क्या बिकता है, क्या क्या जो समाज के लिए कितना उपयोगी नहीं है वो भी बिक रहा है, लेकिन चूंकि बिक रहा है इसलिए आपको उसको वो देखते हैं, उसको दिखाना है लोगों को, उसको प्रकाशित और प्रसारित करते जाना है। जो अभी बात हुई कि जैसे किसी मॉल के सामने से कोई युवती का अपहरण हो जाए, आप उसको बहुत सेंसिटाइज करके दिखा देंगे क्योंकि वो समाज वैसा उसको देखना चाह रहा है, लेकिन उसी उसी के बाजू में यदि झुग्गी बस्तियों में कोई युवती के साथ शोषण हो रहा है आप उसको नहीं दिखाएंगे। तो ये जो हमारा दोहरापन है पत्रकारिता का, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये दोहरापन है क्यों, और यही इसी के पीछे वो बात छुपी हुई है जिसपे हम चुनौती की बात करते हैं या निरपेक्ष या स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं। दरअसल क्या है कि तमाम तमाम कॉरपोरेट, यदि हम घरानों की बात करें कि जो जो मालिकान है वही प्रधान संपादक है, वहीं से रीति नीति तय हो रही है। सबसे बड़ा उसका जो कारण है कि हम यदि बात करें कि जो आपके विज्ञापन दाता हैं या जो आपको इस, चूंकि पत्रकारिता आप जैसे बात कर रहे थे कि मिशन मिशन तो बहुत गौण हो गई, हाशिए में चला गया है, अब जो है प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। अब वो पैसा जो यहां से आएगा और जो वो जैसा चाहेगा, जैसे हम बात करते हैं बाजार, वो जैसा चाहेगा वैसा आप उसको करना होगा। जैसे आप देखें कि आर्थिक उदारीकरण के बाद, मुझे याद है भानावत जी से मेरी चर्चा होती थी उन दौर में जब मैं अपना पीएचडी वर्क कर रहा था, कि कैसे कैसे बदलाव आया, मतलब आज का जो पाठक है जो नव धनाढ्य आर्थिक उदारीकरण के बाद में, तो वो सब चीजें बहुत गुड़ी गुड़ी देखना चाहता है, सब चीजें अच्छी अच्छी देखना चाहता है। जैसे मैं आपको यहाँ आगरा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कचरे की जो कोर इशू है इनको यदि उठाते हैं तो जाहिर है कचरे की बात होगी, गड्ढों की बात होगी, नालियां जो बजबजाती गंदगी उनकी बात होगी, और उनसे की जुड़े हुए जो नोडल एजेंसी है उन पे अटैक होगा। तो ये फीडबैक आता है कि सब आप बहुत नेगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको जो है ना ये बहुत अच्छी चीजें हैं वो भी देखनी चाहिए। और अच्छी चीजें क्या है कि सब बाजार में जो है एक उफान आ गया है, आज समय जो है वो लॉकडाउन के दौरान बाजार ने बूस्ट कर दिया है, मतलब जो वो चीजें जो कि इम्पोजिंग है, मतलब हम जो नहीं है वो भी हम ये दिखा दें, जैसा कि आज के समय में कॉर्पोरेट पत्रकारिता में जैसा होने लगा है, जो फेस्टिव या इवेंट जर्नलिज्म जिसे हम बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं कि इवेंट जर्नलिज्म, कि सब ये बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप दीपावली के समय जो जनरली देखते हैं कि इतने इतने बाजार, इतने इतने का बाजार कारोबार अनुमानित है, अब वो होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पाठकों में ये एक मैसेज हम थ्रो करते हैं कि भाई ये होने वाला है और बस आपकी वहां इंतजार है बाजार पहुंचने का, बाकी सब ठीक है, आप नहीं पहुंचे हैं वो आपका ही इंतजार हो रहा है और बाकी तो सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं जिसमें कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को, जो पत्रकार है, जो मीडिया है जिसे हम बोल दें कि वो कहीं ना कहीं उसको डिफोकस कर रहा है, जो उसकी जो कोर इश्यू होने चाहिए उनको दिखाने में या उनको बताने में। दूसरा जो सबसे जो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं अभी समाचारों के चयन में भी इसके पीछे भी वही मैं बात करूंगा कि चयन के लिए भी जो जिम्मेदारी है जो पत्रकारों की, संपादकों की, वो चयन भी उस तरीके का नहीं हो रहा है। अभी क्या होता है कि हम एक्सक्लूसिव खबरें या इन्वेस्टिगेटिव आप खबरों की तो बात छोड़ दें, क्योंकि अखबारों में या चैनल की भी हम बात करें कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म मतलब जो हमारा जो 5W1H की हम जो वाई की बात किया करते थे, वो वाई तो ऑटो बोर्ड में अलग हो गया है हमारे उस 5W1H से, अब हम इन्वेस्टिगेशन बात ही नहीं करते, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तो हम उसको डिग करेंगे, उसमें जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और जो सच है वो हमें दिखाना होगा, और कहीं ना कहीं जाके जब सच आ जाता है सामने तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है इसको रख दो, अपन बाद में इस पर विचार करेंगे। तो ये तमाम तमाम जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि
हमें जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, बड़ी बाधा है ये। दूसरा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम जो अभी पंत जी भी बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमसे पहले हम तो ठीक है, मतलब आज के समय में हम ट्विटर की बात करें या तमाम जो नई जो तकनीक है उसकी बात करें, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया का एक जो सैचुरेशन है उसकी हम बात करें कि सबके पास में एक साथ खबरें पहुंच रही हैं। अब मीडिया हाउस की, अखबारों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसमें अपना नया क्या वैल्यूएट करके देते हैं। मतलब वो वैल्यूएट जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम ग्रेवी अपनी मिला के दे रहे हैं जबकि खबर उसको मिल चुकी है। अब इम्पोर्टेंट ये है अभी जो चिंतन मनन होता है कि वो ग्रेवी क्या हो, वो वैल्यूएशन क्या हो जो हम ज्यादा से जो हमारे अखबार को, हमारे चैनल को जो लोगों से अलग कर दे, हमारा जो है यूएसपी हम उसको क्रिएट कर दें और हम उस तक पहुंच जाएं, ये अभी चिंतन होती है अभी अखबारों में या किसी दूसरे भी अन्य उसमें। ये चिंतन नहीं होता है कि हम उस जो दोषी है उस तक हम पहुंचे। मतलब जैसे हम यदि सूचना है तो सूचना तो हम एज इट इज दे दें, लेकिन यदि उस सूचना के पीछे यदि कोई भ्रष्ट आचरण है या किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके पड़ते उधेड़े, ये उस पर कभी चिंतन ही नहीं हो रहा। दरअसल क्या है उसके यदि हम उसमें आगे बढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऐसा हित उससे टकरा जाता है कि वो चीज हम वहीं के वहीं रख देते हैं। जो दीक्षित जी अभी बोल रहे थे कि बात है कि हम ये हमें सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, और वो कितना हम सोच के और कितना उसको सार्थक रूप में साकार कर पाएंगे ये एक वाकई में बड़ी चुनौती है कि हम कैसे जो पत्रकारिता के मूल्यों की हम जो बात करते हैं वो मूल्य हम कैसे ला पाएंगे। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप किसी जॉब में हैं, आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं, वो कितनी उसको अनुभूति देता है, और यदि मान लो उसकी अनुमति के बगैर आप वहां काम करते हैं तो कितना आप वहां सस्टेन कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे अपने आप को, ये भी एक बड़ी चुनौती। तो ये तो वो चुनौती हो गई जो कि पत्रकारिता की चुनौती है, पत्रकारिता में चुनौती है। दूसरी एक और जो मुझे लगता है कि एक बड़ी जो चुनौती जो अंदरूनी चुनौती है वो ये है कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं जिससे कि हम लगातार फेस कर रहे हैं उनमें भाषा का और उस समझ का मतलब बहुत तालमेल नहीं है। भाषा आप देखें कि आज के समय में चाहे वो हिंदी पत्रकार हो या अंग्रेजी पत्रकार हो उनकी भाषा जो है वो बहुत ही गड़बड़ है, वो रवानी नहीं है, जो कहना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, जबकि हम जब पत्रकारिता में आए थे तो पत्रकारिता में आए इसलिए थे कि ये हमारा एक पैशन है, हम भाषा को लेके बड़े सजग थे, तथ्यों को लेके सजग थे, जो कि अब कहीं ना कहीं वो गुम हो रहा है। और यही एक वजह है कि हम जो बात करते हैं विश्वसनीयता की, वो भी एक इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो जो चीजें हम लेके आ रहे हैं वो सिर्फ वही लेके आ जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, उसको हम जस का तस दे रहे हैं, उनको ये नहीं हम देख पा रहे हैं या उनको ये नहीं जांच रहे हैं जो जांचना बहुत जरूरी है पत्रकारिता में कि ये सही है या गलत है, हम किसी के प्रोपेगेंडा के हिस्सा तो नहीं बन जा रहे हैं। तो ये जो समझ पत्रकारों में होनी चाहिए वो भी उसका अभाव है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो तमाम चुनौतियां हैं, मतलब हम यदि कहें कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, वो अखबार निकलने तक और लोगों तक पहुंचने तक हर उस पर चुनौती है, मतलब उसके चयन से लेके, उसके कलेक्शन से लेके और लोगों तक पहुंचाने तक खबर तमाम चुनौतियां हैं जो जो मीडिया की साख को प्रभावित करती हैं। तो वो सारी चीजें हमारे सामने, और हमें ये भी मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि इनके समाधान भी हमें कहीं दिख रहे हैं,
लेकिन उस समाधान तक हम पहुंच नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ महीन ऐसी पर्देदारी है जो कि हम उसको फाड़ना नहीं चाहते, उसको हम हटाना नहीं चाहते। तो इन सब बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा, विराम दूंगा, और एक बार फिर आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरी धन्यवाद, बात बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों का सामना करना है और पत्रकारिता को और सुदृढ़ बनाना है। और आपने भी इस बात पर रोशनी डाली कि पत्रकारिता आखिर किसके लिए और किस प्रयोजन से। ये नहीं होना चाहिए कि जो बिक रहा है वही हमें दिखाना है, इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बहुत महीन जो आपने कहा लाइन है जिसको क्रॉस करने के लिए वाकई में, जैसा कि पहले पंसर ने कहा कि उसके लिए मादा चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए, और बहुत मुमकिन नहीं हो पाता कई बार इस सच के साथ कि जितने भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनमें कम से कम 70% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो एजेंडाज चाहते ना चाहते हुए भी साथ चलते हैं, जिनका ध्यान जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को, अपने उन सच को जो आपको पता भी है, कई बार वो चीजें पता भी होती हैं उसके बावजूद वो जाहिर करना और उसको सामने लाना मुश्किल होता है, उस जोखिम से कैसे लड़ा जाए। तो मुझे फिलहाल ये सारे बातों से ये समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा साहस चाहिए बिल्कुल पारदर्शी होने के लिए, और हर कोई वो साहस कैसे और कब लाएगा इसका इंतजार और इसका प्रयास वो जरूरी है। और भाषा तो न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि हर जगह हर क्षेत्र में कहीं पर भी देखी जाए भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर वो अच्छी है, अगर वो सौम्य है, अगर वो सुखद है, तो वातावरण अच्छा होगा, हर चीज अच्छी होगी। अगर उसमें कहीं पर भी कटुता आएगी तो निश्चित तौर पर जो समाज होना चाहिए हम उससे दूर हटेंगे। बहुत ही सुंदर वक्तव्य रहा पुरोहित जी आपका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आमंत्रित करना जी चाहूंगी हमारे अगले वक्ता राजेश बादल जी को, आपके विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। आप 44 साल से पत्रकार हैं, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर समान अधिकार रखते हैं। समसामयिक विषयों पर पत्रिकाओं में नियमित लेखन एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण में आप सक्रिय हैं। भारत में टीवी पर पहली बार महान विभूतियों पर केंद्रित बायोपिक फिल्मों का निर्माण करने वाले एंकर, निदेशक, प्रस्तुतकर्ता रहे। नई दुनिया व नवभारत टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है। आज तक CNEB, News24, इंडिया न्यूज, वॉइस ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों के साथ कार्य करने का आपका व्यापक अनुभव है। भारत की संसद के दूसरे चैनल राज्यसभा टीवी के संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निदेशक आप लगातार 7 साल से रहे। टीवी इतिहास में पहली बार राज्यपालों पर केंद्रित श्रृंखला महामहिम राज्यपाल का आपने निर्देशन और उसकी एंकरिंग भी की, और 10 से अधिक चैनल आपने शुरू किए। रेडियो के साथ 43 साल से आपका रिश्ता रहा। भीषण हादसे सुनामी का तमिलनाडु से वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो के लिए आपने कवरेज दिया। बीबीसी लंदन के साथ राजनीतिक समीक्षक के रूप में आपने प्रसारण भी किया। अमेरिकी सरकार के आमंत्रण पर मीडिया स्टडी के लिए लंबी यात्रा भी की। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा समेत अनेक शहरों में आप व्याख्यान देते रहे हैं। मीडिया शिक्षण के दिशा में पिछले 30 सालों से आप सक्रिय हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, राजेंद्र माथुर सम्मान समेत अनेक सम्मान और पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। संप्रति डॉक्यूमेंट्री निर्माण विभिन्न पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन भी आप कर रहे हैं, और न्यूज चैनलों में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका स्वागत करती हूँ राजेश जी। धन्यवाद उषा जी।
आप काफी देर से हम मैं जब सुन रहा था पहले आपको, फिर संजीव जी को, आदरणीय कमल दीक्षित जी को, पंत जी को और पुरोहित जी को, ऐसा लग रहा था कि एक आप जब आप सभी लोग जब बोल रहे थे तो मेरी आंखों के सामने एक फिल्म भी चल रही थी। पहले अतीत संजीव जी ने जिस तरह से बयान किया और कमल दीक्षित जी ने जो आज के हालातों की ओर गंभीर रूप से रेखांकित किया, भाई पंत जी ने और पुरोहित जी ने तो जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो हाल हैं, उनकी बेबाक बयानी की है। और सच बताऊं तो पिछले 44 वर्षों में मुझे भी कोई बहुत जिस तरह का अनुभव रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही तकलीफ देह दौर से हम गुजर रहे हैं। क्योंकि स्वभाव से आशावादी हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये अंधी सुरंग में हम लोग कुछ ज्यादा ही समा गए हैं। अब मुझे भी एक छटपटाहट और बेचैनी तो होती है, कब हम इस सुरंग से निकल पाएंगे, आशा है, उम्मीद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते थे तो एक अंधकार युगीन भारत की बात हम किया करते हैं, और मुझे लगता है कि शायद 44 साल तो मैंने देख लिए, और उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता काफी कुछ पढ़ी है, और अब जो स्थितियां हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हमारी पत्रकारिता का एक एक अंधकार युग चल रहा है जो बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो, ऐसा मुझे लगता है। कारण अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। कुछ दीक्षित जी ने बहुत ही साफ बात कही, पंत जी ने भी बार बार उस चीज को दोहराया है। दो तरह के वजहें हैं जो आज हम जिन स्थितियों में पहुंचे हैं, लेकिन दोनों वजहों के कारण जो मुख्य हमारा संकट है वो साख का संकट है, हमारी विश्वसनीयता का संकट है, हमारे भरोसे का संकट है। अब समाज हम पर सवाल खड़े करने लगा है। मैंने अपनी पत्रकारिता में राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और प्रभाष जी के साथ लंबा अरसा बिताया है, उनके सानिध्य में सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता उनकी होती थी वो यही होती थी कि अगर पत्रकार की साख नहीं है तो पत्रकारिता की भी साख नहीं है। तो अगर ऐसी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं जब हमारी साख का संकट है, तो ये एक बहुत गंभीरता से मनन और विचिंतन करने की जरूरत है। मेरी नजर में दो कारण हैं उसके। एक पहला तो जो कारण है वो ये है कि बाहरी जो चुनौतियां हैं, और दूसरी जो है वो हमारे पत्रकार के अंदर की चुनौतियां हैं। पहले मैं बात करता हूं बाहर की चुनौतियों की। भाई अभी पुरोहित जी ने बाजार की बात कही है। बाजार वाकई में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीविजन में हमने जब काम शुरू किया, लंबे समय तक प्रिंट में रहने के बाद जब हम टेलीविजन में गए, तो सचमुच में ऐसा होता था कि हम सरोकारों की पत्रकारिता तब भी कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 हम सरोकारों हमारे सरोकार हाशिए पर जाते रहे, और हम बाजार के एक दो उत्पादों की तरह होड़ में हम आ गए। चैनलों की आपसी की होड़ ने हमारे उन उस तरह की पत्रकारिता को जन्म दिया, जैसे कहा गया कि जो बिकता है वो दिखता है। इसने, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि चैनलों के अंदर उस दौर में ये भाषा होती थी कि भाई ये खबर अप मार्केट है या ये खबर डाउन मार्केट है। अप मार्केट यानी वो जो 1 या 2 फीसदी हिंदुस्तान है, और डाउन मार्केट यानी जो 97-98 फीसदी हिंदुस्तान है। तो अगर डाउन मार्केट है तो बिकेगी कैसे, टीआरपी कैसे आएगी, लोग कैसे देखेंगे। और इस तरह से डाउन मार्केट खबर गिरा दी जाती थी और अप मार्केट खबर ऊपर आ जाती थी, यानी जो 1 या 2 फीसदी का भारत है, इंडिया है, उसकी खबरें लगातार धीरे धीरे ऊपर आती। अफसोस की बात यह है कि जब हमारे नींव की नीचे से ईंटें एक एक करके खिसकती नहीं, उस वक्त हम लोग नहीं ध्यान दे पाए, और जब हमारा पूरा पत्रकारिता का किला भरभराने को है, चरमराने को है, तब हम चिंता कर पा रहे हैं। दीक्षित जी ने जो बात कही है कि पिछले 5-6 वर्षों में इसमें क्षरण बहुत दिखाई दिया है, और बाजार का तो मैंने जिक्र किया, इसी तरह से सियासत, जो पंत जी ने जिसकी ओर इशारा किया था कि दरअसल हमने हमारे जो बाहर के जो दबाव होते हैं उसमें सियासत का दबाव भी बहुत है। कोई ऐसी पत्रकारिता
पत्रकारिता की कोई विधा ऐसी नहीं हो सकती, यानी अखबार हो या टेलीविजन हो या कोई भी और माध्यम हो, जिसका कोई मालिक ना हो। और जिसका कोई मालिक होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस मालिक की अपनी दिलचस्पियां ना हो, और अगर उसकी अपनी दिलचस्पियां हैं तो वो फिर अपनी गाहे बगाहे वो अपनी दिलचस्पियों को अपने उस प्रोडक्ट पर थोपने की कोशिश करता है, और जब वो थोपने की कोशिश करता है तो पत्रकारिता की गाड़ी कहीं ना कहीं भटक जाती है। होता यह भी है कि कहीं वो मालिक है या संपादक है तो उस पर सियासत का असर भी होता है। आजकल देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, ये अपनी आलोचना कोई बर्दाश्त नहीं करता, और सब तरीके से सरकारें, चाहे इस दल की हो या उस दल की हो, ये कोशिश करती हैं कि पत्रकारिता को अपने प्रभाव में रखें, पत्रकारों को अपने प्रभाव में रखें, और उनकी आलोचना ना हो तो बेहतर है। तो वो कभी वो लालच देती हैं, कभी प्रलोभन देती हैं, कभी दबाव डालती हैं, और जब इन तीन से बात नहीं बनती तो वो चौथा हथियार उत्पीड़न का भी अपनाती हैं। हमने 44 वर्षों में काफी ये चीजें देखी हैं, खुद व्यक्तिगत रूप से भी मेरे उदाहरण बहुत हैं, कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन सियासत ऐसा नहीं है कि सियासत का संपर्क पहले नहीं होता था, पहले भी पहले क्या हमारे जमाने में हम क्या नेताओं के संपर्क में नहीं आते थे? हमारे जो पूर्वज थे या जो पुरानी पीढ़ी थी वो भी उनके संपर्क में आते थे, लेकिन उस संपर्क का असर नहीं, हम जब हम पत्रकारिता की अपनी डेस्क पर बैठते थे हम सिर्फ इतना करते थे कि हमारा जो प्रोफेशनल ड्यूटी है, हमें खबर उस तरह से निकालनी है, उस विश्वसनीयता की रक्षा करनी है। लेकिन उस राजनेता के साथ हमारे संबंध बेशक बिगड़ते नहीं थे कभी, लेकिन हम उसके हाथों में भी नहीं खेलते थे, वो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला पाते थे। आज हम देखते हैं कि सियासत किस तरीके से पत्रकारिता के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, तो अब सियासत और पत्रकारिता में काफी घुलना मिलना हो गया है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि दूर थे जब तक सियासत से हम भी साफ थे, खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। तो साख का सवाल तो एक बहुत तगड़ा हुआ है, और ये आप पुरोहित जी 2010 की बात कर रहे थे, मैं 2005 की बात करूंगा कि 2005 के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था, जबकि चैनल इंडस्ट्री भारत में शुरू हुई, और चैनल इंडस्ट्री शुरू हुई तो 2001 में जो भारत का पहला टेलीविजन चैनल आया था, जो विज्ञापन की एक रोटी खाता था, 2005 आते आते उसमें करीब करीब 10 से 20 चैनल हो गए, और वो विज्ञापन की एक एक रोटी जो है वो एक एक निवाले में बदल गई, और इस तरह से वो जो आपस में उस एक एक निवाले के लिए जो होड़ होती थी उसने हमारी पत्रकारिता की समूची गाड़ी पटरी से उतारी। एक छोटा सा उदाहरण मैं मध्य प्रदेश का याद करना चाहूंगा। आप सबको याद होगा कि एक पंडित जी थे जिन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी, और एक चैनल ने, जिम्मेदार राष्ट्रीय चैनल ने उसको दिखा दिया कि अमुक पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि वो इस तारीख को अमुक टाइम पर वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कुंडली देख ली है। जब वो ऐसा उस दिन आया तो सारे चैनलों ने अपनी ओबी वैन, उस समय गाड़ियां होती थी सीधा प्रसारण करने के लिए, उन पंडित जी के घर पे लगा दी कि इतने बजकर इतने मिनट पर पंडित जी मर जाएंगे और फिर उसके बाद हम सीधा प्रसारण करेंगे। लेकिन पंडित जी, देखिए मौत पर किसका नियंत्रण है, किसी का कोई कोई पूर्वानुमान लगा सकता है क्या? तो पंडित जी को ना मरना था ना वो मरे, और पंडित जी जब जिंदा रहे तो सारे चैनलों की संवाददाताओं और एंकरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने 2 दिन तक लगातार, कल पंडित जी मरेंगे, अब आज पंडित जी मरेंगे, सुबह से इतने बजे पंडित जी मरेंगे, ये बिल्कुल सच घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जब नहीं मरे तो फिर अब कैसे अपनी पत्रकारिता की इज्जत बचानी थी, लाज बचानी थी, तो एक रिपोर्टर गया और जो पंडितानी थी उनकी, श्रीमती पंडित जी थी, उनके पास जाके कहा कि देखो पंडितानी जी, अब पंडित जी तो आपके जीवित रह गए, अब आप ये बोलो कि चूंकि कल करवा चौथ है तो मैं सावित्री की तरह अपने सत्यवान को अपने व्रत के कारण वापस ले आई हूँ, और इस तरह से पंडित जी बच गए हैं। और पंडित जी की, पंडितानी की यानी श्रीमती पंडित जी की वो बाइट, वो कथन सारे चैनलों ने चलाया कि करवा चौथ के व्रत ने सत्यवान की तरह, सावित्री ने सत्यवान की तरह पंडित जी को बचा लिया। अब बताइए पत्रकारिता के किस युग में हम जा रहे हैं? हम उस टेलीविजन चैनलों में क्या हमारे पत्रकारिता संस्थानों से निकले हुए पत्रकार काम नहीं करते? क्या अखबारों में जब ये खबरें छपी तो उनमें पत्रकारिता शिक्षण संस्थानों से निकले पत्रकार काम नहीं करते? तो मैं इस बात को इससे भी जोड़ूंगा कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं आज वो
अंधविश्वासों से, ऐसे टोटकों से लड़ना नहीं सिखाते, किसी पत्रकार के अंदर वो रीढ़ पैदा नहीं हुई, वो साहस पैदा नहीं हुआ कि इस खबर को उठा के फेंको, ये खबर मैं नहीं दिखाऊंगा। निश्चित रूप से इस खबर को मैनेजमेंट ने नहीं कहा होगा, लेकिन चूंकि टीआरपी की होड़ थी, मालिक ने, मालिक तो उसमें कहेगा जिसमें उसकी धन की दिलचस्पी होगी, या मालिक का अपना कोई स्वार्थ होगा। अगर उसको राज्यसभा में जाना होगा तो हो सकता है वो किसी पार्टी की वकालत के लिए बात कहे, या अगर उसको किसी कोई लाइसेंस चाहिए होगा, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई ठेकेदारी चाहिए होगी, तो शायद वो अपने पत्रकारिता के उपकरण का दुरुपयोग करे। लेकिन इसमें तो हमारी पत्रकारिता की अपनी साख का सवाल है, हमने अपने हाथों इस तरह से अपना कबाड़ा किया है। तो दूसरी बात तो ये है कि हमने अपनी खुद, पहली बात बाजार की, दूसरी बात सियासत की, तीसरी बात हमने अपनी गैर अपने हाथों अपनी इज्जत की बारह बजाई है, मैं कहता हूँ बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं। तो दो बात तो ये है, और एक बात है बाहर का दबाव, है तकनीक का दबाव। तकनीक सारी दुनिया, हमारे देश में टेलीविजन 50 साल बाद में आया। अब 50 साल जब बाद में आया तो हुआ ये कि हम जिस तकनीक, जो तकनीक दूसरे देशों में, खासतौर पर पश्चिम में और यूरोप के देशों में बासी पड़ गई, वो तकनीक हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रही है। इसलिए जल्दी 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 तकनीक भी बदलती रही, और हाल के पिछले 5-7 वर्षों में तो हमने ये देखा है कि वो तकनीक बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है। अगर आपको तकनीक की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो आपको उस हिसाब से उस तकनीक पे आना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा कि पुरानी तकनीक पर खर्च किया गया सारा पैसा सब बेकार चला जाता है। ऐसे में चैनल हो या अखबार हो, देखिए पहले भाई को हम लोग जब सैटेलाइट नहीं आया था, सैटेलाइट एडिशन नहीं आए थे, तो हम दूसरे संचार के उपकरणों से अपने समाचार भेजा करते थे। अब जब सैटेलाइट युग में है तो हम तकनीक का मुकाबला करना है तो हमें धन चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कारण दबाव का ये है, जिसको हम अब जिस परिवर्तन प्रकृति के नियम है, हम उस दबाव के आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, हमें उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं हमारे सरोकार ना गुम हो जाए। हमारे हमारे जो मूल्य हैं, जिनकी बात कमल दीक्षित जी कर रहे थे, जिसके लिए वो मूल्यानुगत मीडिया का, हम एक तरह से कमल दीक्षित जी तो अपने आप में संजीव भानावत जी और कमल दीक्षित जी, मैं तो ये कहूंगा कि पत्रकारिता शिक्षा के चलते फिरते आंदोलन है, जो मूल्य को, मूल्यों की पत्रकारिता की वकालत करते रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे लगता है कि जब आज स्थिति आ पहुंची है तो बहुत बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जो आज नई पीढ़ी आ रही है और वो जो ये पत्रकारिता देख रही है, जो हम लोग कर रहे हैं या जो हो रही है पर्दे पर या अखबारों के पन्ने पर, वो यही समझ रही है कि शायद असल पत्रकारिता यही है, और जिस पत्रकारिता की अवधारणा को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ये उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे गंभीर पीड़ा का विषय है, और ये इसको कैसे हम रोकें। हमें तो सिखाने वाले राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग थे जो हमें सिखा गए, लंबी बातें हमने उनके संपर्क में, वर्षों तक संपर्क में रहने पर सीखी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अपने को दोषी मान सकता हूं इसमें, कि शायद हम अगली जनरेशन को उस तरीके से हम नहीं दे पाए हैं जो हमें देना चाहिए था, और इस पर हमें गंभीर मनन चिंतन एक बार करना पड़ेगा। तो ये तो है एक तरह से बाहर के दबावों के, और अंदर के दबाव पे भी मैं बात करूंगा। पुरोहित जी ने एक बहुत अच्छा इशारा किया था कि हाँ, हमारा हमारी भाषा अब बहुत कमजोर होती जा रही है भाषा की दृष्टि से, चाहे वो अखबार की भाषा हो, चाहे वो चैनलों की भाषा हो, हम अपेक्षाकृत हम बहुत कमजोर हो गए हैं। और इसलिए कि हमारा पढ़ना लिखना, हम हमारी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में पढ़ने लिखने के लिए हमारा समय खत्म हो गया, हम नहीं पढ़ने लिखने के टाइम के लिए टाइम नहीं है। तो जिन 500-700, एक एंकर को देखिए ना आप, एक टेलीविजन रिपोर्टर को देखिए, या अखबार के शब्द आप देख लीजिए, एक 500 से लेके 1000, 1500, 2000 शब्दों में सारी दुनिया सिमट जाती है, चाहे वो धार्मिक रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, चाहे वो साइंस की रिपोर्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, 1500 शब्दों में सारा सब कुछ हो जाता है, जबकि एक कम से कम 50,000 शब्द चाहिए। जब नहीं है हमारे पास शब्दों का बैंक, तो स्क्रीन पर, जैसे दीक्षित जी ने जिसका इशारा किया था, कि इतनी चीख पुकार, इतनी चिल्लाहट, बकवास, गेस्ट हम कहते हैं लेकिन उनको अपमानित करते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इसलिए कि हम चाहें तो अपनी बात अपने नरम शब्दों में मजबूती के साथ रख सकते हैं। नरम शब्दों में कही गई लेकिन कड़क बात हो सकती है, लेकिन आप
वो प्रभाव पैदा कर सकती है जो पूरे स्क्रीन पर चिल्ला कर, हाथ पांव मुक्का मारकर, गेस्ट के सिर पर पानी का गिलास फेंकने से, गाली गलौज करने से वो भाव वो पैदा नहीं होता जो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक बात तो हमारी अंदर की कमजोरी ये है कि भाषा के स्तर पर हम कमजोर पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज से 25-30 वर्षों के तक पहले हम लोग अपने सरोकारों के लिए, अपने मूल्यों के लिए आंदोलन कर जाते थे। बिहार प्रेस बिल के लिए हम लोगों ने 1983 में आंदोलन किया। कमल दीक्षित जी को याद होगा, हमारे वो उस वक्त नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में हुआ करते थे और हम लोग इंदौर में थे तो हम लोगों ने उसके खिलाफ सड़कों पर आए थे। उसके बाद 1987 में जब मानहानि विधेयक आया तब हम लोग सड़कों पर आते थे। इधर हाल के वर्षों में अपने सरोकारों को लेकर सड़कों पर आकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति कम हो गई है। हर पत्रकार, हर संपादक डरा हुआ है कि आज जो मुझे पैकेज मिल रहा है वो तो अगर हम कहीं संघर्ष करेंगे और नौकरी चली गई तो ये भगवान जाने ये पैकेज दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इतना संग उठा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो खर्चों का आकार एक बार आप बढ़ा लेते हैं परिवार के साथ वो कम नहीं होता, और ये इस डर के कारण हमने सड़कों पर आकर संघर्ष करना बंद हो गया। दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात यह है कि हमारा नैतिक पक्ष भी कमजोर हुआ है। नैतिक पक्ष इसलिए कमजोर मैं कहता हूं कि देखिए, सियासी बंटवारा तो तब भी होता था, मतलब सियासी बंटवारा आज की तरह बहुत ही वर्टिकल, जिसकी बात दीक्षित जी ने की कि वर्टिकल विभाजन नहीं था, उस वक्त भी हमारे साथ के काम करने वाले लोग भी कुछ दक्षिणपंथी हो सकते थे, कुछ वामपंथी हो सकते थे, कुछ समाजवादी हो सकते थे, कुछ कांग्रेसी हो सकते थे, लेकिन जब वो अपनी पत्रकारिता की कुर्सी पर बैठते थे तो वो अपनी तमाम विचारधाराएं उनकी पुड़िया बनाकर एक तरफ रख देते थे और उसके बाद हमने देखा है, वर्षों तक देखा है। लेकिन आज तो हम पहले तय करते हैं कि मैं, मेरी सहानुभूति इस पार्टी के साथ है तो मैं एंकरिंग ऐसी करूंगा, आज मेरी सहानुभूति उस पार्टी के साथ है तो मेरा एजेंडा ये है। तो जब हमारा नैतिक पक्ष कमजोर हो गया कि हम अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं कर पाए कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति आनी ही थी। हम तभी तो हम कहते हैं ना, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो और कर लेता है समझौता भी वो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। ये एक फर्क आया है तब और अब में, तो इसलिए नैतिक पक्ष भी हमारा कमजोर हुआ है। हमारे अपने स्वार्थ भी अब पत्रकारिता के जरिए हम पूरे करने की कोशिश करते हैं, पहले मालिक और मालिक अपने थोड़ा थोड़ा स्वार्थ पूरा किया करते थे अपने, फिर संपादकों ने अपने इंटरेस्ट डालने शुरू किए। हमारे एक 25 साल पहले एक संपादक थे जिन्होंने अपना अस्पताल चलाने के लिए मुख्य सचिव से चिट्ठी लिखवाई और सारे जिला कलेक्टरों से एक एक दिन का वेतन काटा गया कैंसर अस्पताल के लिए, तो संपादकों ने भी अपनी दुकानें चलाई। लेकिन अब हम वो नीचे उतरते उतरते हमारे अपने लेवल पे भी आ गए हैं। हम भी अपने हम में कोई कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, हम कोई अपना साइड का एक धंधा करना चाहते हैं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग दलाली बहाली कराना चाहते हैं। तो जब हम इस धंधों पर इस कामों पर उतरेंगे तो यकीनन हमारी साख पर बट्टा लगेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको मैं, चूंकि समय काफी हो गया, 1 घंटे का वक्त था, 1.5 घंटा होने को आया, तो मैं चाहता हूं कि ये विषय तो बहुत लंबा है, सवाल जवाब भी शायद आपको करने हैं, तो हम आगे बात करते रहेंगे। मुझे अपनी बात अगर मैं कहूं कि मैं यहीं समाप्त करूं तो बेहतर होगा, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा और विमर्श जारी रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही आपने कहा, ये बेहद जरूरी है। सबसे पहले भाषा, पहले हमारे और वक्ताओं ने भी इस बात पर प्रकाश डाला, भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि भाषा सही है तो आप अपनी भावनाओं को उसी प्रकार से दूसरे के सामने पहुंचा सकते हैं जो आप अंदर महसूस करते हैं। यदि भाषा में वो भाव, भाषा ही खराब होगी तो भाव नहीं जाएगा। नैतिक पक्ष सभी कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल सत्य। हम किसी एक या किसी सिर्फ उन लोगों पर हम कुठाराघात नहीं कर सकते हैं जो बिजनेस चला रहे हैं। सब छोटे से लेकर के बड़े ऊपर तक के लेवल्स में हर किसी का अपना एक स्वार्थ निहित है, और जिस छोटे छोटे उन स्वार्थों के वजह से ही वो जो आप साख की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाती है, जो जाने अनजाने
उस समय नहीं पता चल पाया, जब ये चीजें शुरू हो रही थी महसूस नहीं हो पाई, आज के दौर में वो बिल्कुल विकराल रूप लेकर सामने खड़ी हो गई हैं और आज ये स्थिति बन गई है कि हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम विरासत में क्या देकर जा रहे हैं, क्या वही पत्रकारिता जो हमने पहले पाई थी या सही पत्रकारिता देकर जा पाएंगे। बहुत सही आपका वक्तव्य रहा, बहुत सारी चुनौतियों पर आपने भी प्रकाश डाला, हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने भावों को व्यक्त करते हुए जो भी बिंदु यहाँ रखे हैं उन सबसे संबंधित चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं, मैं उन प्रश्नों को साझा करना चाहूँगी। हमारे वक्ता जो भी समझे उसका जवाब देना, आप अपनी बात को रख सकते हैं। एक सबसे पहला प्रश्न जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ मार्तंड जी का प्रश्न था। ओके, बिफोर दैट आई हैव अनदर क्वेश्चन, धनंजय जी का मुझे दिख पा रहा है। आपने पूछा है इंक्लूसिवनेस इन रेडीमेड जर्नलिज्म इज मिसिंग, इस बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे बादल जी या फिर दीक्षित जी? एक्सक्लूसिवनेस कम हुई है इसमें तो कोई शक नहीं। जी फिर मुझे लगता है कि उस पर अगर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे बहुत जी दीक्षित जी से उत्तर लीजिए। मैं हूँ सर, ये एक प्रश्न है। बधाई इंक्लूसिवनेस बादल, तुमको बहुत बहुत बधाई। जी किस बात की सर, समझ लो। This is a positive note. Sir, एक प्रश्न है, inclusiveness in ready-made journalism is missing. इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक प्रश्न पूछा है, धनंजय भांजा नाम दिख रहा है मुझे। नहीं तो ये देखिए, राजेश बादल ने जो बात कही थी नहीं असल में पूरी संघ, और बल्कि एक तरह से सभी लोगों ने बात कही है। जब हम समाज के संबंध में अगर बात करना चाहते हैं, समाज को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो समाज को लेकर के हम समग्र समाज, और समग्र समाज में भी सामान्य तौर पर वो समाज जो समाज के वो हिस्से जो बहुत आगे चले गए हैं और जो बहुत पीछे रह गए हैं, इनके बीच जो अंतराल पैदा हुआ है, जो 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 एक तरह से अंतराल पैदा हुआ, डिवाइड पैदा हुई है, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं? वो जो ये डिवीजन है वो सांस्कृतिक भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, वो सामाजिक रूढ़ियों के संदर्भ में भी हो सकता है, मतलब वो सारी की सारी। एक अच्छा समाज असल में उन मूल्यों पर खड़ा होता है जो मूल्य सामान्य तौर पर मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं, और वो जो अंतराल हैं, अभाव हैं, उनको पाटते हैं। तो मैं उनके प्रश्न से जो समझाऊं, पत्रकारिता वो एक क्षेत्र है जो सामान्य तौर पर समाज को संबोधित करके वो जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों के सामने ये बात रखता है कि समाज में इस तरह का अंतराल, बिखराव या विभाजन है, और उस विभाजन को आपको पाटना चाहिए। दुर्भाग्य से ये हुआ है कि लगातार, मतलब केवल इस मौजूदा सरकार के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार हमारा समाज जो है इस संदर्भ में बिखरा है, और उस बिखराव को हमने बातों में, संगोष्ठियों में, किताबों में तो प्रस्तुत किया है, मगर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने पाटने की कोशिश नहीं की। बल्कि पिछले कुछ दिनों से हम असल में वैश्विक दौड़ में आ गए हैं। हमारी जो आंतरिक स्थितियां भारत की, वे तो आज भी आदिकालीन है, मैंने एक तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं और एक तरफ बहुत पीछे खड़े हुए लोग भी हैं, तो एक वो जो अंतर है वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। उसके बावजूद हम वैश्विक दौड़ में हैं, तो ये जो दौड़ है, इस दौड़ का जो अंतराल है उसको भरना पड़ेगा आपको, और भर कर के सामान्य तौर पर ऐसे में हमको सर्वोदय चिंतन के आधार पर, माने कहीं ना कहीं वो उस आधार पर अपने आप को समेटने करना पड़ेगा, जिससे कि जो पीछे खड़े हुए लोग हैं वो तेजी से आगे बढ़े। हालांकि जो आगे बढ़ रहे हैं
वो पीछे नहीं आए, वो और आगे बढ़ते रहे, मगर पीछे खड़े हुए लोगों को ज्यादा तीव्रता से। एक और गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ ये हुई है जिससे कि हमारा जो करने का पौरुष है या जो पुरुषार्थ है वो बहुत कमजोर हुआ है। पिछली कुछ सरकारों ने लगातार ये किया है कि लोगों को मुफ्त में मिलने वाली चीजों के आधार पर इस तरह से उनके पुरुषार्थ में या उन उन उन, उन, उन उनकी उनकी जीने की जो इच्छा में अपना अपनी अपनी भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में जिस तरह की चेतना उनमें जागना चाहिए था, उसके बजाय उनको डिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया। डिपेंडेंट बनाने से उन्हें समर्थन तो मिला, मगर डिपेंडेंट हो गया उसकी वो आदत पड़ गई, और इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत उस तरह से भारत कमजोर हुआ है। इस बात को भी इस संदर्भ में हमको सोचना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, अब बहुत विस्तार से तो नहीं की जा सकती इस समय, मगर ये कुछ बातें हैं जो मैंने धनंजय की जी के इस प्रश्न के संदर्भ में कही हैं। हो सकता है कि ये उत्तर उनको ठीक लगे, और नहीं तो और भी कोई इस पर बात कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। धनंजय जी, आई होप यू वुड हैव गॉट एन आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अगर आपको पुनः फिर भी कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगी। आप माइक बंद कर दीजिए, बिकॉज वी विल बी टेकिंग केयर फ्रॉम द चैट बॉक्सेस, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। द सेकंड क्वेश्चन दैट आई विल बी टेकिंग हियर इज फ्रॉम मार्तंड मिश्रा जी। आपने लिखा है, द यूरोपियन ब्रॉडकास्ट यूनियन ईबीयू रिपोर्ट सेज दैट इन कंट्रीज वेयर पब्लिक मीडिया इज फंक्शनल दे हैव मोर प्रेस फ्रीडम एंड लेस करप्शन। So creating a public funding media system would be a step to enhance media freedom. इसमें बादल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी दो पैनलिस्ट मुझे दिख नहीं रहे। काफी हद तक ये बात सच है। यूरोप में और पश्चिम में इस बात से इसलिए भी कि जो मीडिया की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ हम साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आंकड़े में लेते हैं, यानी 78 या 80% लोग साक्षर हो गए। साक्षर का मतलब पढ़ने लिखने लगे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने से ही की ही साक्षरता नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अवेयर हैं अपने देश और समाज के सरोकारों को लेके, तो वो असल साक्षरता है। हमने अभी देखा बीच में कि अमेरिका के जो नतीजे आए थे, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो है लगातार वहां के मीडिया के साथ अपना द्वंद्व चलता रहा, द्वंद की क्या स्थिति बल्कि रंजिश जैसी स्थिति रही, और वहां के तीनों बड़े नेटवर्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहे। तो कारण क्या था? कारण ये था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो झूठ थे, डोनाल्ड ट्रंप की जो जो कई स्तरों पर जो चीजें थी वो मीडिया को लेके बड़ी विद्वेषपूर्ण थी, तो इस व्यवहार के विरोध में उन्होंने झंडा उठाए रखा। और इस तरीके से अमेरिका में मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा, क्योंकि मीडिया के उन लोगों ने लगातार बार बार उसकी ओर इशारा किया। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, आएगा वक्त, आएगा जरूर आएगा, लेकिन हमें वो जुनून या वो जो बात आप कह रहे हैं कि जो हमें हमें वो हमारी जो प्रोफेशनल ईमानदारी की बात है वो हमारी साख बढ़ाएगी। और ये हमें तभी इतिहास अपने को दोहराता है, क्रांतिकारी जो हमारे हुआ करते थे वो उस जुनून के साथ पत्रकारिता भी करते थे, क्योंकि पत्रकारिता और क्रांतिकारियों का जो काम है, आप देखें भगत सिंह से बड़ा पत्रकार देश में नहीं है, महात्मा गांधी से बड़ा इस देश में कोई बड़ा पत्रकार है ही नहीं। मैं तो इतनी उनकी बड़ी पत्रकारिता की, इन दोनों महानुभावों की इज्जत करता हूं। तो वो क्रांतिकारी क्या कहते थे? वो कहते थे कि इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। तो जब तक ये पत्रकारिता में भावना नहीं आएगी कि अपने मूल्यों, नैतिक आदर्शों और अपने सिद्धांतों को लेकर हम उतने संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक वो बात नहीं होगी जैसे कि अभी हमारे जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने कही। जी बिल्कुल सही सर। धनंजय जी, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे सकती हूँ, आप शायद और भी आपने कुछ प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। यूं तो देखा जाए तो वक्ताओं के सारे वक्तव्य में वो सारी बातें हो चुकी हैं,
बट उसके बावजूद क्योंकि आपने अपना माइक अनम्यूट किया था, आप प्लीज अनम्यूट करके अगर आप बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। धनंजय जी, थैंक यू मैम फॉर 30 seconds। एक्चुअली आई एम टेलिंग अबाउट द नॉन बायस्ड अटेम्प्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पत्रकार या जितने वार्ताहर, ये सब नॉन बायस्ड होना चाहिए, लेकिन सब तो पैसा के लिए काम करते हैं, दिस इज ओपन ट्रूथ। फिर भी हम नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सो कॉल्ड हिंदी पेपर हमारे गुजरात में है, लेकिन उसी में सिर्फ 2 या 3 स्टेट को चलता है, एक पेज पूरा डेडिकेटेड यूपी को, एक डेडिकेटेड राजस्थान को, एक बिहार को, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट लद्दाख या पंडिचेरी लाक्षाद्वीप यहाँ से कुछ भी न्यूज नहीं आता। ऐसे नहीं कि न्यूज होता नहीं, हर जगह न्यूज कुछ ना कुछ होता है, तो हम सबको इंक्लूसिव करना चाहिए जियोग्राफिकली, प्लस डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ करना चाहिए। सरकारी योजना को हम छापते हैं, जो भी सरकार आएगा उसका पहला पेज में आएगा, दिस इज द नाउ रूल, बाइंडिंग रूल फॉर ऑल द पब्लिकेशंस। सरकार यदि कोई भी पार्टी का हुआ उसी का ही न्यूज पहला पेज में आएगा, बाकी न्यूज छोटा हो जाता है। आपको मजाक लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन सच ही है। यदि किसी को श्रद्धांजलि दिया जाता है, सरकार का यदि राज्य स्तरीय मंत्री जाके देते हैं वो फर्स्ट न्यूज होता है, लेकिन अपोजिशन का यदि मेन लीडर जाता है वो लास्ट में आता है, भी लगता है उनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है तो उनका यदि छोटा सा कोई सचिव जाके भी कर देता है तो वो पहला न्यूज नीचे रहेगा। धनंजय जी, Thank you. We could get your point. Thank you so much for sharing your views here. Thank you, ma'am. राजेश जी, आप अगर इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो आमंत्रित। देखिए, वैसे तो धनंजय जी ने अपनी बातों में ही अपना उत्तर दे दिया है जी, और उनका उसमें दरअसल उसमें एक टिप्पणी थी, वो प्रश्न नहीं था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और जिसपे हम लोग पूरे 1.5 घंटे लगातार चर्चा कर चुके हैं कि क्यों प्रतिपक्ष के नेता को जगह नहीं मिलती है और सरकार के नेता को मिलती है, या क्यों गुजरात में रहते हुए आप लेह लद्दाख की खबरें नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो एक बाजार का दबाव है, बाजार क्योंकि बाजार से रेवेन्यू मिलता है, जहां अखबार बिकता है वो उस इलाके की खबरें पहले छापेगा, बाद में लेह लद्दाख की खबरें पहले छापेगा। लेह में आप जाएंगे तो लेह का अखबार लेह की खबरें पहले छापेगा, बाद में श्रीनगर की खबरें छापेगा, उसके बाद लाहौल स्पीति की खबरें छापेगा, तब उसके बाद कहीं गुजरात की खबर छापेगा। मैं अमेरिका में गया था, अमेरिका में मैं 24-24, 48-48 पेज के अखबार देखता था और महीनों में वहां रहा और हिंदुस्तान की खबर वहां देखने के लिए तरस गया, जरा सी एक बार मुझे 4 लाइन की एक खबर दिखी। तो कहने का अर्थ यह है कि आप बाजार और सियासत के दबाव में हैं, वो दौर चला गया जब आप ज्ञान हासिल करने के लिए अखबार खोल के पन्ने पढ़ा करते थे, देखा करते थे और पत्रिकाएं पढ़ा करते थे, ये है जी। बिल्कुल, दीक्षित जी कुछ कहना चाहते थे। दीक्षित सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर का वीडियो तो ऑफ हो गया है। दीक्षित सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे लगता है कि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। भानवत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल हो गई ये बात। राइट सर, और कोई प्रश्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी वी आर रियली हैप्पी दैट द पार्टिसिपेंट्स हैड लेफ्ट गुड रिमार्क्स इन द चैट बॉक्स। सो सभी का धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने चैट बॉक्स में भी आप लोग अपने स्टेटमेंट्स के साथ एक्टिव रहे हैं। अब मैं इस वेबिनार के जो हमारे कन्वीनर हैं प्रोफेसर संजीव भानवत, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी आभार प्रदर्शन के लिए। सर प्लीज। चलिए, प्रेस दिवस के बहाने मुझे लगता है आज की चर्चा काफी रोचक और जीवंत रही। हमारे चारों वक्ता आदरणीय कमल दीक्षित जी, डॉक्टर पंत, डॉक्टर पुरोहित और भाई राजेश बादल, आप चारों ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता से लेकर के एक नए रेवेन्यू मॉडल जिसकी बात आजकल की जा रही है, क्योंकि अब तो अखबार का प्रिंट एडिशन आने के पहले जो डिजिटल एडिशन आने लग गए हैं, और विशेषकर कोरोना के दौर में जिस तरह से डिजिटल एडिशन लोकप्रिय हुए हैं, तो वहाँ भी एक इस तरह की बात आई है कि जब आप विश्वसनीय सूचना लेना चाहते हैं तो उसके लिए पे कीजिए। तो ये जो एक नया रेवेन्यू मॉडल की बात आ रही है, ये हम स्वयं पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरे ख्याल भाई राजेश जी, पत्रकारिता ही ऐसा बिजनेस है जो घाटे में जा रहा है। मालिक को अखबार पढ़ता होगा 15-20-25 रुपए का, जो हमको 2-4-5 रुपए के अंदर अखबार दे रहा है वो। तो अब ऐसे दौर में हम इतनी सारी अपेक्षाएं जिस अखबार से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पाठक के रूप में और आगे की बात कहूं तो दर्शक और श्रोता के रूप में, क्योंकि जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खरीद ली है उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने,
जिनके पास ताकत है अखबार का प्रथम पृष्ठ खरीदने की, मुख्य पृष्ठ खरीदने की, जिनके पास ताकत है रेडियो टेलीविजन का प्राइम टाइम खरीदने की, तो ऐसे दौर में एक पाठक श्रोता दर्शक के रूप में हमारी खुद की क्या भूमिका हो सकती है, कहीं हमें भी उस पर विचार करना पड़ेगा। और तकनीक ने आपको एक इतना बड़ा विकल्प दे दिया है, उन सारी चुनौतियों के बीच इस डिजिटल माध्यम ने भी जितना एक क्रिएटिविटी जो इस जिन लोगों में है उनके लिए, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे उनके ब्लॉग्स हैं, जितने सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, उसका भी यदि रचनात्मक उपयोग होता है, जैसा पुरोहित जी ने बात भी की थी या पंत जी बात कर रहे थे कि आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और वो अपडेटेड है, सूचनाएं उसके पास पहले से ही हैं, हम कितनी ग्रेवी लगा करें, किस तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, वो चुनौती है। लेकिन पत्रकारिता के बहुत सारे पक्ष, और जैसा बादल जी ने कहा कि पूरी फिल्म उनको दिखाई दे रही थी पिछले 40-50 साल के दौर में, तो ये बात सही है कि पत्रकारिता के दौर में कई तरह के बदलाव आए हैं, विशेषकर तकनीक के प्रभाव के कारण, और मीडिया हाउसेस का जिस तरह से विस्तार हुआ है, आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ उन चुनौतियों के अलग अलग पक्षों की यहाँ चर्चा की, और ये विषय ऐसा है जिसपे घंटों बहस की जा सकती है, चर्चाएं हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे प्रतिभागी जो अभी हमारी इसकी टेक्निकल जो हमारा काम देख रही हैं, हमारी रिसर्चर पृथ्वी सेंगर, उसने मुझे अभी मैसेज किया है और ये बताया कि 126 रजिस्ट्रेशन देश के लगभग सभी राज्यों से इसमें हुए हैं, पूरी रिकॉर्डिंग हमने की है, इसका वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से हम जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सबको उसका लिंक भेजेंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस पूरी चर्चा को, चूंकि तकनीक ने सुविधा दी है, उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए हमारी भाषा के जानकार दुनिया के जिस हिस्से में बैठे हुए हैं वहां तक हम आपके इन सारे विचारों को पहुंचाएंगे, इस उम्मीद में कि ये चर्चा जारी रहेगी और कहीं कुछ हमारे मित्र इस चर्चा में से सार्थक नवनीत निकाल पाए और अपने प्रोफेशन के साथ समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनके साथ कहीं न्याय कर पाए, उन चुनौतियों का सामना कर पाए, एक विचार मंथन कर पाए, इस विचार को आगे बढ़ा पाए, तो इस चर्चा की सार्थकता है। मैं हमारे चारों पैनलिस्ट उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और शाम का समय तो एक पत्रकार के लिए बहुत ही मारामारी का समय रहता है, रोहित जी का फोन आया कि साहब मेरी मीटिंग है ऑफिस में, वहां निकलना है, पंत जी के ऊपर भी काम के दबाव थे तो वो भी बीच में उनको क्विट करना पड़ा, लेकिन राजेश जी और श्रद्धेय दीक्षित जी ने जिस तरह से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की जिज्ञासाएं थी उनका समाधान किया, उनकी जिज्ञासाओं का शमन किया, मैं आप चारों के प्रति अपनी ओर से आभारी। पृथ्वी सेंगर जिसने तकनीकी मोर्चा संभाला, और जब तक उसके मोबाइल में डेटा था तब तक करीब करीब 1.5-2 घंटे का जो हमारा ये प्रोसीडिंग्स है ये फेसबुक पर लाइव भी प्रसारित की गई हैं, और वीडियो के माध्यम से तो हम फिर वापस आपके बीच में आएंगे ही, तो उनके प्रति भी आभारी हूँ, डॉक्टर उषा साहनी जिन्होंने इतनी सफलता से इस पूरे आयोजन का संचालन किया, और हमारे सभी प्रतिभागी जो देश के अलग अलग अंचलों से जुड़े, जिन्होंने चैट बॉक्स के माध्यम से लगातार अपने टिप्पणियों से, अपने विचारों से इस चर्चा को सार्थक और रोचक बनाया, लास्ट में कुछ सवाल भी पूछे। एक सूचना के साथ, कल 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, और इस अवसर पर फिर 5 बजे हम गांधी के विचारों पर संवाद करने के लिए गांधीवादी विचारकों के साथ आपके साथ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डिंग